इधर असम में अब दूसरे चरण के लिए भी प्रचार शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के बाद अब वहीं के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ गुवाहाटी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा पर हमला बोला। उनके साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी हैं। कमलनाथ जी, कल शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आपने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया गया। 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो नहीं किया गया, और कर्ज माफी भी नहीं किया गया। हजारों को बेरोजगारी भत्ता मिला, पर शिवराज जी 15 साल में उन्होंने क्या किया, इसका जवाब दें। ये उसकी बात नहीं करेंगे, पिछले 1 साल का जवाब दें। सरकार आपकी 15 साल रही, 1 साल से है केंद्र में आपकी सरकार है, और आप प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं। और केजरीवाल जी ने भी कहा कि पंजाब में कुछ नहीं किया गया कांग्रेस द्वारा। अब बेचारे केजरीवाल जी दिल्ली की बात करें, दिल्ली फिसल रहा है उनके हाथ से। और असम में ओपिनियन पोल में दिख रहा है कि भाजपा की स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। ये ओपिनियन पोल कैसे आते हैं कैसे जाते हैं आप सब जानते हैं।